हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय रेखा मैम। एज टुडे यू कैन सी वी आर डूइंग द वर्कशीट नंबर 52, इंग्लिश वर्कशीट फॉर द क्लास 10th, एंड हियर यू विल राइट योर नेम देन योर टीचर्स नेम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्कशीट ऑफ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसमें इसका एक पैसेज दिया हुआ जैसे जनरल लिटरेचर में दिया होता है बच्चों को, बट आंसर यू हैव टू फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग। जो आपने रीडिंग किया उसी के बेसिस पर आपको आंसर फाइंड करना है। ओके, सो आई एम रीडिंग इट। द रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सर्ल एक्सकॉलर अवार्ड एंड द शेयरिंग फ्लोग अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। तो व्हाट वॉज द ओनली थिंग दैट एब्राइट लाइक टू डू एज अ चाइल्ड। उनको क्या चीज़ करना पसंद थी, पहला क्वेश्चन है। तो उनको बटरफ्लाइज का बहुत शौक था, वो बटरफ्लाइज का कलेक्शन करते थे, रॉक्स का भी कलेक्शन करते थे, इसके बाद फोसिल्स का, कॉइन्स का कलेक्शन करते थे। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट वाज हिज मदर्स कंट्रीब्यूशन टू कीप हिज बटरफ्लाई रिसर्च गोइंग। सो आई वुड लाइक टू रिप्लाई, इसका मतलब है कि उसकी मदर जो थी, एब्राइट की मदर जो थी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था उनकी इस रिसर्च में। तो हिज मदर इंक्रीज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटेनिंग materials, जो माउंटिंग materials थे, एंड अदर इक्विपमेंट्स, एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि उनकी जो मदर थी, उनका एंड जो ये जो आपका इंटरेस्ट है, इनका एंड हो सकता था, बट शी बॉट अ बुक, दैट बुक इज़ अबाउट द चिल्ड्रंस बुक। ओके, एंड द नेम ऑफ द बुक वॉज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ डिड हिज एसोसिएशन विद डॉक्टर फ्रेडरिक ए, कैसे वो एसोसिएट हुए डॉक्टर फ्रेडरिक ए से। ए अर्काट हेल्प हिम, और अर्काट ने कैसे उनकी हेल्प की। हाउ डिड ही डू द टास्क ऑफ टैगिंग ऑफ बटरफ्लाई, और उन्होंने बटरफ्लाई को टैगिंग करने का टास्क कैसे पूरा किया। तो यहाँ पर है आंसर। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाईज फॉर द रिसर्च बाई डॉक्टर फ्रेडरिक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, वो एक और काम करते थे। ही वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क टैग हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू पूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। गिवन बिलो इज अ पैराग्राफ दैट शोज सम डेटा फ्रॉम रिचर्ड इनिशियल रिसर्च ऑन बटरफ्लाई एज अ चाइल्ड, ट्राई टू इंटरप्रेट इट एंड राइट एनालिटिक पैराग्राफ इन अबाउट 60 to 70 words। आपको पता है पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले पैराग्राफ का नाम देना। तो पैराग्राफ का नाम क्या है, नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज। ठीक है, तो आप लिख देंगे, और अब 6 weeks में कितने बटरफ्लाइज उन्होंने कलेक्ट किए और कैसे कैसे किए। देखो डेटा दिया हुआ है, स्नाउट को उन्होंने 1 week में कलेक्ट किया। ठीक है, और ये नंबर्स हैं, कितने बटरफ्लाइज कलेक्ट किए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो स्नाउट्स उन्होंने कलेक्ट किए 1, मोनार्क किए भी 1, और वाइट्स एंड जो सल्फर्स थे, ठीक है, ये उन्होंने कलेक्ट किए 3, ब्रश फुटेड कलेक्ट किए 10, वुड नीम्स टेनिस सेटायर्स जो थे वो कलेक्ट किए 2, गुजेमर विंग्ड कलेक्ट किए 8। ओके, तो नंबर कलेक्टेड है ये, और ये काइंस हैं, तो इतने काइंस के 1, 2, 3, 4, 5, 6 काइंस के बटरफ्लाइज उन्होंने कलेक्ट किए। ठीक है, और 6 week में। फाइन, तो ये आप लिख देंगे फाइन, और इसको दैट यू विल स्टार्ट टू राइट लाइक दिस दैट एब्राइट हैज़ पहले तो उनका आप इंटरेस्ट लिखेंगे कि कैसे कैसे एब्राइट वॉज एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया, देर वॉजेंट मच आई कुड डू ही कुड डू देयर। और आप लिखेंगे कि उनका जो इंटरेस्ट था, ही वॉज कलेक्टेड, ही हैज़ द इंटरेस्ट, ओके, इन कलेक्टिंग द बटरफ्लाई, एंड हिज इंटरेस्ट हैज़ ग्रोन अप बाय हिज मदर ऑल्सो, एंड हर मदर हिज मदर हेल्प्ड हिम अलॉट इन डूइंग दैट। और ही देन ही कलेक्टेड टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई जो उसमें दिए हुए हैं, और कैसे कैसे कितने कितने, दिस इज ओके। सो स्टूडेंट, एज इट इज़ द कोविड टाइम, सो वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर देम, एंड लिसन सेकेंडली, वियर योर मास्क वेन एवर यू आर गोइंग टू मार्केट और समवेयर एल्स। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। मैं इसमें आपके लिए कुछ आंसर्स शेयर कर रही हूँ, उसको आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि कैसे एब्राइट टैग करते थे। ठीक है,
एक और इस आंसर में आप थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं जो मैं अभी आपको शो करूँगी. आई थिंक यू हैव सीन द आंसर. ओके, इसमें ऑल भी ऐड कर लीजिएगा आप. और ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 थ्री में जो पहले मैंने आंसर दिखाया उसमें 3 का आंसर आपको ऐड करना है. ठीक है, दिस इज़ द आंसर. और लिख के अपने टीचर को भेजेंगे आप. आई होप आपको ये आंसर्स काफ़ी हेल्प करेंगे लिखने में. ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल. और बच्चों आज जो है ईयर का लास्ट डे है, सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस माई डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. बाय बाय.